थाना शाहनगर क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की नाबालिग लड़की को उससे शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया था। लड़की के पिता द्वारा थाने में रिपोर्ट करने पर आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध पंजीबद्ध किया। लड़की के पिता द्वारा थाना में रिपोर्ट करने पर आरोपी राम विशाल चौधरी के विरुद्ध थाना शाहनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया और जाकर विवेचना की गई। नाबालिग लड़की को बरामद करने तथा आरोपी राम विशाल चौधरी को गिरफ्तार करने हेतु श्री मयंक अवस्थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं तथा नाबालिग बच्चों को दस्तयाब करने हेतु जिले में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके परिपालन में श्री बी के एस परिहार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक महोदय पन्ना तथा रक्षपाल सिंह यादव SDOP महोदय पवई के कुशल मार्गदर्शन में उक्त नाबालिग लड़की को आरोपी राम विशाल चौधरी के घर ग्राम तिलिया महागामा से बरामद किया जाकर आवश्यक कार्रवाई उपरांत उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। नाबालिग लड़की द्वारा अपने बयान में बताया कि आरोपी राम विशाल चौधरी ने शादी करने का झांसा देकर भगाकर ले गया था तथा उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। नाबालिका के साथ छेड़छाड़ का आरोप। हाँ, एक गाँव की एक नाबालिग लड़की को तिलिया महागामा का राम विशाल चौधरी शादी के झांसा दे करके जनवरी में 17 जनवरी को बहला फुसला करके भगा कर ले गया था। लड़की के पिता ने थाने में रिपोर्ट किया था। राम विशाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 363 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिनका कोई पता नहीं चल रहा था, लड़के लेकर के भाग गया था। कल 24 जून को लड़की पता चला कि लड़की जो है उसके घर में है। तिलिया महगामा से उसके घर से राम विशाल चौधरी के घर से लड़की को बरामद किया गया और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उससे पूछताछ किया गया, बयान लिया गया तो लड़की ने बताया कि ये लगातार यहाँ से शादी के झांसा देकर जब से भगा ले गया है तो लगातार इसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसमें प्रकरण में धारा 366/376 IPC और 5/6 PASCO Act की धारा बढ़ाई गई। आरोपी फरार था, जिसको काफ़ी मशक्कत के बाद आज 25 जून को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पवई में पेश करके उसे जेल में भेजा।